हाय एवरीवन, मैं हूं निशा और आप सभी का मैं अपने चैनल निशाज बास्केट में वेलकम करती हूं। और आज फिर मैं आ गई हूं एक नई हेल्दी रेसिपी लेकर। रेसिपी कौन सी है? वो है एक भरपूर कैल्शियम से भरा हुआ एक सूप है, जो कहते हैं ना कि सोर्स ऑफ कैल्शियम है। तो चलिए दिखाती हूं मैं कौन सा सूप आज बनाने जा रही हूं। मैं बनाने जा रही हूं ड्रमस्टिक का। ड्रमस्टिक यहाँ पर मैंने काफ़ी काट ली हैं, छोटी बड़ी कैसे भी काटो, लेकिन मुझे आपको आपके सामने दिखाना था कि छीलते कैसे हैं। ये देखिए, क्योंकि पूरे जो वो होते हैं, इसके जो छिलके होते हैं वो हमने सारे नहीं उतारने होते हैं, बिकॉज इसमें ही बहुत से विटामिन्स वगैरह होते हैं। एक तरफ का निकाल दिया और बाकी ऐसे ही छील के हम डालेंगे। बाकी तो मैंने छील लिए थे, तो इस तरीके से आप छीलें, एक दो तरफ से छीलें, ताकि इसके जो छिलके होते हैं इसमें भी बहुत ही विटामिन्स होते हैं। और फ्रेंड्स, ये कैल्शियम से भरपूर होता है और बहुत ही टेस्टी ये सूप बनता है। इसको कैसे बनाया जाता है सूप को, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने कुकर लिया है, जिसमें मैंने ये वाले 2 ग्लास पानी भर के डाल दिया है। और अब हम इसके अंदर ड्रमस्टिक मैंने 5 ली थी। ड्रमस्टिक को मराठी में क्या बोलते हैं संजय? शेवगाय की शेंग। ओके, ये बोलते हैं। मुझे इसको बोलना आता नहीं है, तो ये बोलते हैं इसको। और इसमें मैंने 5 ली थी। 5 को मैंने छोटा भी काट लिया, बड़ा भी काट लिया, कैसे भी करके आप एट रैंडम काट सकते हो। इसके अंदर मैं एक हरी मिर्च डाल रही हूँ और एक इंच मैंने अदरक का पीस भी डाला है, और 6 से 7 मैंने गार्लिक क्लोव डाल रही हूँ, और 1 मैंने अनियन डाली है, वो भी ऐसे ही एट रैंडम चॉप करके। अब अभी हम इसमें नमक नहीं डालेंगे, गैस को हम ऑन करेंगे और कुकर की 5 से 6 सीटी हम लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी कुकर में ड्रमस्टिक का सूप बन रहा है और 5 सीटियां हो गई, पर मैंने 2 और लगाई हैं ताकि जो ड्रमस्टिक है उसका जो पल्प है वो अच्छा, मतलब निकल के आना चाहिए, ताकि जूस में जूस अच्छा हमें मिल सके। ड्रमस्टिक के बारे में मैं बताती हूँ कि देखिए, एक तो इसको ड्रमस्टिक बोलते हैं, दूसरा हम इसको बोलते हैं सेंजन की फली, और तीसरा मराठी में हम बोलते हैं शेगाची फली। ठीक है, सॉरी अगर कुछ गलत बोला है तो, लेकिन मैंने यही सुना है शेगाची फली, और इसको मोरंगा भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये फुल ऑफ प्रोटीन होता है, फुल ऑफ विटामिन्स होता है, और जो बड़ा सोर्स होता है ना इसका, कैल्शियम का होता है, फाइबर होता है। और आप देखिए, जिनको डायबिटिक होती है, जिनको हार्ट की डिजीज होती है, उसमें ये बहुत फायदेमंद होती है। इनसे ये दवाइयों के बनने में भी काम आती है, मतलब इनसे दवाइयां भी बनाई जाती हैं। और मैं अपने सूप का नाम देती हूँ बर्न गार्लिक ड्रमस्टिक सूप, क्योंकि जब ये सूप बन जाता है, मैं इसको छानती हूँ, फिर मैं इसको पकाती हूँ, तो मैं लास्ट में इसमें तड़का देती हूँ गार्लिक का, जो वो भी हेल्दी है। फ्रेंड्स, ये आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, खान पान में जरूर यूज करिए। जैसे कि आप जानते हैं, आजकल सभी बहुत हेल्थ के प्रति कॉन्शियस होते हैं, जो कि होना भी चाहिए। जहां से भी कुछ पता पड़ता है कि ये चीज हेल्दी है, वो चीज हेल्दी है, तो हम उसको खाते हैं। जब से मुझे ये पता पड़ा है ये सूप के बारे में, मैं इसको जरूर बनाती हूँ, और जरूर हम लोग 4-5 बजे के करीब इसको हम लोग पीते हैं, और हमें बहुत फायदा हुआ है इससे। अब मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है, क्योंकि हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा जो प्रेशर है वो अंदर ही रहने देंगे, ताकि और वो सब कुछ जज्ब हो सके। जो मैंने अदरक डाली है, जो मैंने प्याज डाला है, जो मैंने गार्लिक डाली है, मिर्ची डाली है, वो सब आपस में जज्ब होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इसको अपनी खान पान में अपने जरूर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि बहुत फायदा होता है। मुझे हुआ है, इसलिए आज मैंने सोचा क्यों ना मैं ये रेसिपी शेयर करूं आपके साथ। तो मुझे उम्मीद है कि आप स्टेप बाय स्टेप देखें और आप खुद देखेंगे
कि बहुत ही इजी टू मेक है। तो चलिए अब इसको खोलते हैं और देखते हैं कितना हो गया। जब हम इसको छानते हैं तो हमारे हाथ एकदम साफ होने चाहिए कि वो हमें इसको निचोड़ने के लिए अपने हाथों की भी जरूरत होती है। चलिए खोल के देखते हैं। वाह, सब ये गल गई हैं। ये देखिए प्याज भी गल गई है। इसको थोड़ा सा हमें अदरक का तो हमें सिर्फ एक खुशबू सी चाहिए होती है, थोड़ा सा टेस्ट इनहेंस करने के लिए हमें चाहिए होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको छानेंगे, इसको प्लेट में निकालेंगे क्योंकि इसको हमें ठंडा करना है, हाथ से करना है ना, इसको निचोड़ना है। अभी मैं इसको रख दूंगी और ये फटाफट ठंडा हो जाएगा और इसको हम छान लेंगे। इसको हम जब तक करते रहेंगे जब तक हमारा सारा पल्प नीचे ना आ जाए। थोड़ा थोड़ा लेंगे, इस तरीके से फ्रेंड मैंने ये सारा निचोड़ लिया है। अब गैस को ऑन करेंगे और ये जो सूप है हम बनने के लिए डालेंगे। अभी ये बना नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें डली नहीं है। यहां पर इस समय हम थोड़ा नमक डालेंगे, ध्यान से डालिए। और काली मिर्च डालेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर होता है ना वो डालेंगे। फ्रेंड्स हम थोड़ा सा पानी भी डालेंगे इसमें, मैं बताती हूं। इसको चलाएंगे। यहां पर मैंने एक चम्मच कॉर्नफ्लोर का ये घोल तैयार करा है, थोड़ा ही डालती हूं मैं क्योंकि एकदम गाढ़ा भी अच्छा नहीं लगता ये वाला सूप। ये सभी सूप गर्म ही है तो हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। उबाल आने में टाइम है। इसका नमक चख लेते हैं। नमक थोड़ा कम है, मस्त की और लहसुन की इतनी अच्छी आ रही है। और फ्रेंड्स जब हम इसमें तड़का लगाते हैं ना तो ये सूप में चार चांद लग जाते हैं, बहुत ही टेस्टी सूप लगता है ये। मुझे नमक ऐसे ही, आप भी नमक चख लें, अगर नमक सही है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। 1.5-2 टेबल स्पून मैंने और डाल दिया, नहीं गाढ़ा चाहिए। अभी मैं इसके अंदर हरा धनिया डाल दूंगी और अब हम लगाएंगे इसमें तड़का। मैंने यहां पर थोड़ा सा बटर लिया है, बटर के साथ हल्का सा तेल डालेंगे ताकि बटर हमारा जले नहीं। और यहां पर मेरे पास गार्लिक है वो मैं डाल दूंगी और थोड़ी सी मैं इसमें हींग भी डालूंगी। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आएगी, बहुत ही हेल्दी है। अब इसको हम अच्छा ब्राउन करेंगे, अच्छा ब्राउन यानी कि लगे कि बर्न हो गया है, बर्न गार्लिक ड्रमस्टिक सूप लगना चाहिए।
बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है। यस फ्रेंड्स, गार्लिक आपका इतना होना चाहिए। अब मैं फ्लेम को बंद कर देती हूँ और अपने सूप में इसको ट्रांसफर करती हूँ। ये देखिए, तो रेस्टोरेंट स्टाइल वन गार्लिक ड्रमस्टिक सूप एकदम रेडी है। ये देखिए, अब हम इसको ट्रांसफर करेंगे बाउल में। जब आप घर में सबको ऐसे सूप देंगे और ऊपर गार्लिक आएगा तो किसी को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि इस समय मेरी किचन में इतनी अच्छी खुशबू आ रही है गार्लिक की कि मजा आ रहा है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, जरा सूप को देखिए, बहुत ही डिलीशियस सूप बना है। इसलिए नहीं कि मैंने बनाया है, आप भी बनाएंगे तो आप भी फील करेंगे कि ये बहुत ही डिलीशियस सूप है और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज इसको शेयर करिए, बनाइए, बहुत लोगों को फायदा होना चाहिए। मेरे घर में जिस जिसको पता पड़ता है वो मैं थोड़ा चख के देखती हूँ। मजा आ गया। मेरे घर में जो भी खा के जाता है वो दूसरों को भी बताता है, कोई कड़वाहट नहीं है इसमें। और गार्लिक की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, हरी मिर्च जो डाली थी हल्की हल्की मिर्ची की आ रही है, हींग की आ रही है। बनाइए इसको और एंजॉय करेंगे आप। घर में अगर बड़े आपके लोग हैं, मम्मा पापा हैं, उनको भी बना के दीजिए ताकि उनको भी बहुत ही फायदेमंद हो सके। मैंने बोला ना, इससे दवाइयाँ भी बनती हैं, ये मेडिसिंस बनने में भी सहायक होता है। और सबसे बड़ा सोर्स है कैल्शियम का। मुझे कैल्शियम की बहुत कमी थी, लेकिन जब से मैंने अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसको खाना पीना शुरू करा है, जब से मैंने इसको ऐड करा है ना, मुझे बहुत फ़ायदा है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ या ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।